जब भगवान उनको पाप से सब मुक्त कर देते हैं फिर मुक्त होने का बाकी क्या रहेगा। आदमी दुख भोगता है पाप से और भगवान कहते हैं यह होंगता सर्व पापे भम खैसान, तो जो भगवान के शरणागत हो जाते हैं उसको और पाप नहीं है, पाप से खत्म हो गया। यद्यपि वो फिर पाप नहीं करें तो फिर उसका पाप नहीं है, मुक्त हो गया। इस विषय में भगवान बताया कि मान च व्याविचारिणी भक्ति जोगी न जा सेवते सगुणान समति तयितान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो अव्याविचारिणी भक्ति भगवान के चरण में लगा देते हैं, लेकिन अव्याविचारिणी भक्ति का अर्थ होता है जो भगवान जैसा बताते हैं और भगवान के कथानुसार साधु शास्त्र जैसे बताते हैं उसका नाम है अव्याविचारिणी भक्ति, विधि भक्ति। जैसे बड़े बड़े आचार्य लोग विधि बताए हैं कि सांग विधि सब भगवान ही बताए, दूसरे का बात छोड़ दीजिए। आचार्य होता है जो भगवान जो विधि बताए हैं उसी का अनुसरण करके काम करते हैं, उसका नाम है आचार्य। तो भगवान जब कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मां एकंग शरणम, जब हमारा चरण में शरणागत हो जाओ और कोई धर्म जाजम करने की आवश्यकता है तो उसके नाम है शुद्ध भक्त। जो शास्त्र में जैसे दूसरी दूसरी देवता पूजन करने के लिए बताया तो किसके लिए बताया, जो कि कामी है, जो कि दुनिया में भोग करने को चाहते उसके लिए। कामस्तस्य हितज्ञान जजन्ते अन्न देवता, जो अन्न देवता का भजन करते हैं पूजन करते हैं कौन है, वो कामस्तस्य हितज्ञान, वो काम के द्वारा उसको ज्ञान सुन्न हो गया, इसलिए तो दूसरी देवता को भक्ति करते। वो दूसरी देवता से जो कुछ मांगते हैं वो क्या भगवान नहीं दे सकते, दूसरी देवता लोग क्या है कि भगवान का नौकर चाकर है, तो मालिक क्या नहीं दे सकता। यदि कुछ आपको दुनियादारी के लिए कुछ चीज चाहिए तो भगवान से प्रार्थना करने से भगवान क्या नहीं दे सकता। इसलिए शास्त्र में बताया है अकाम सर्व काम व मोक्ष काम उदारधि तीव्रेना भक्ति जोगेना जजीता परमं पुरुष। परम पुरुष को है कृष्णा, जैसा अर्जुन समझा परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवा पुरुषम शाश्वतम आद्यम, ये भगवान कृष्णा है आदि पुरुष गोविंद। तो दुनिया में तीन प्रकार के लोग होते हैं, एक तो है अकामी जिसको कोई कामना है ही नहीं, जिसको भगवान को मिल गया है उसका कुछ कामना ही नहीं, शामीन कृतार्थ हो उसमें बरंग न जाती। जैसा ध्रुव महाराज वो बचपन में बालक 5 वर्ष का बालक, उनको सतैली माता जी अपमान किया था, तो उसको प्रतिज्ञा है जो ये मैं पिताजी का जैसा राज्य है उससे भी कोई बड़ा चीज हम लाभ करूंगा, तो भगवान का भजन किया। तो जब भगवान का दर्शन हुआ, क्योंकि भगवान भजन करते करते पवित्र हो गया, फिर उसका कुछ कामना ही नहीं हुई। तो जब भगवान का दर्शन हुआ भगवान बोला बेटा क्या चाहिए, क्यों इतना बालक है तुम तपस्या कर क्या चाहिए मांग लो। तो उस समय ध्रुव महाराज कहते हैं स्वामी काचंग विचिन्नन अभिदिव्य रत्नम, मैं कांच के टुकड़ा ढूंढने के लिए आया था, अब हमको हीरा का टुकड़ा, तो फिर हमको और क्या चाहिए। सामीन पिता बस और कुछ नहीं चाहिए, आपको जब दर्शन हो गया फिर हमको क्या चाहिए, पिता थो सुन बरग न जाते। ये भगवत भक्ति का लाभ है, कि भगवत भक्ति लाभ होने से उसको सब चीज लाभ हो जाता। देखिए बिजनेस का
पॉइंट ऑफ व्यू अब स्टडी कीजिए, ये जो हरे कृष्ण मूवमेंट हमने शुरू किया था 40 रुपया, अभी हमारे पास 40 करोड़ है और 10 बरस में लाइए कोई बिजनेसमैन। लाइए कोई बिजनेसमैन और 102 सेंटर, बिजनेसमैन कितना ब्रांच खोल सकता है? बात सही है कि जनलब्धा चापुरंग लाभंग मन्नते नाधिकंग तो कहो, जिसको लाभ हो जाने से फिर कोई लाभ का चीज ही नहीं होता, सब लाभ ऐसी चीज है भगवत भक्ति। तो मनुष्य जीवन में चाहिए कि किस तरह से भगवत भक्ति लाओ, भगवत प्रेम। भगवत भक्ति का अर्थ होता है भगवत प्रेम, भगवान के लिए सब कुछ करने के लिए राजी। जैसे गोपी लोग, गोपी लोग कृष्णा रात 12 बजे बंसी बजा रहे हैं और गोपी लोग सब उधर दौड़ रहे हैं। कोई अपना बच्चा को पाल रहा था उसको छोड़ दिया, कोई दूध पकाती थी उसको छोड़ दिया, कोई गृहस्थी काम छोड़ दिया, उनके पिताजी ससुर ये भाई ये कहां जाती है कहां जाती है, कौन पूछता है, सब चलो। इसलिए चैतन्य महापुरुष बताए जो गोपी लोग जैसा भजन किया था, ये भगवान के लिए अपना धन प्राण मन और संसार और प्रतिपत्ति कोई नहीं, सब छोड़ दिया, इससे बढ़कर कोई भजन नहीं है। चैतन्य महापुरुष बताए रम्मा काचिद उपासना ब्रजवधु वर्ग भी जा कल्पिता। ब्रजवधु लोग जिस तरह से भक्ति भगवान का लिए की थी, उसके भर करके और कोई उपासना है आखिरी पर। हाँ, और सब गोपियों से सबसे बड़ी गोपी जो है राधा, अनया राधते इति राधा। ये जब विचार है भगवत भक्ति और हम लोग ये श्रीमद भागवत का अनुसार श्रीमद भागवतम अमलम पुराणम, महापुराण है इसको प्रचार कर रहे हैं और बड़े बड़े आचार्य लोग जिस तरह से जिस लाइन में प्रचार किया है उसको अनुसरण करते हैं और भगवान की कृपा से फल भी हो रहा है। तो ज्यादा समय नहीं रह गया, दो चार बात और कह देंगे कि ये जो भगवत भक्ति प्रचार के लिए जो 6 गोस्वामी लोग अपना जीवन दिया था उसका भीतर सनातन गोस्वामी, ये सनातन गोस्वामी कौन थे? उस समय बांग्लादेश में जो मुसलमान पाठानी राज्य था, नवाब हुसैन साहब वो बांग्लादेश का राजा थे, उनको मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर। तो ये चैतन्य महापुरुष से जब उनका मुलाकात हुई तो ये अपना राजकाज छोड़ करके और चैतन्य महापुरुष पास चले आए, बड़ा मुश्किल से आए। वो राजा छोड़ नहीं रही था, क्योंकि प्रधानमंत्री है और उनको ऊपर सब छोड़ करके, वो मुसलमान थे मजा करते थे, ये बाकी राजकाज जो चलाने वाला ये दो भाई रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी, तो वो रिजाइन देने से उनको बहुत हर्जा हुई। सनातन गोस्वामी जेल में रख दिया था कि तुम नहीं जा सको, ऐसी बात नहीं हो, तो तब भी कोई किसी तरह से वो चले आए। तो वो सनातन गोस्वामी जब चैतन्य महाप्रभु ये काशी वाराणसी में प्रचार कर रहे थे, उस समय वो आया बांग्लादेश से और उनको फिर संस्कार दिया गया कि परमहंस बेस, और उनको 2 महीना तक भगवत भक्ति का विषय उनको खूब सिखाया। तो जब पहले मिला चैतन्य महापुरुष से तो सनातन गोस्वामी का यही प्रश्न था कि कहते हैं कृपा करी यदि मोरे करिया छो उद्धार, अपना कृपा से कहो कर्तव्य आमा। आप तो कृपा करके हमको ये मिनिस्टरी सीट से हटा करके और आपके चरण में ले आए हैं, तो
कृपा करी जदि मरे करिया छो उद्धार, ये आप ही का कृपा है, हमको इस विषय से उद्धार कर लिया हमने, अब कृपा करके बोलिए हमारा कर्तव्य क्या। इसका नाम है गुरु का पास जाना। गुरु कोई ऑफिशियल चीज नहीं है, गुरु बना लिया, गुरु अपना घर में रहे, हम घर में रहे, नहीं। ये सनातन गोस्वामी सिखा रहे हैं कि गुरु करने का बाद फिर क्या काम है, फिर काम है जो गुरु से शिक्षण लो, जो जीवन में कर्तव्य क्या है। सद्धर्म परीक्षा आदु गुरुवास स्वयं साधु धर्मान गमनम सद्धर्म परीक्षा, ये सब नियम है। सद्धर्म परीक्षा गुरु करके उनसे पूछना चाहिए सद्धर्म क्या चीज है, जीवन को किस तरह से बनाना चाहिए। तस्मात गुरुम प्रबद्धेत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम, गुरु किसके लिए जरूरत है, जो कि उत्तम विषय में जिज्ञासु है उसके लिए। गुरु एक फैशन नहीं है, एक गुरु कर लिया हमने, नहीं, गुरु उसके लिए जरूरत है। तस्मात गुरुम प्रबद्धेत जिज्ञासु श्रेयम उत्तमम, श्रेयम उत्तमम, श्रेयम माने भलाई, सभी चाहते हैं अपने भलाई के लिए, तो सबसे उत्तम भलाई क्या है उसको पूछने की, इसलिए गुरु का जरूरत। तस्मात गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु से उत्तमम, तो फिर गुरु इस तरह से होने चाहिए जो कि उत्तम विषय में बता सकेंगे। शाब्दे परे च निष्णातं ब्रह्मणि उपसमाश्रयम्, ये गुरु का लक्षण है। शाब्दे वेदादि शास्त्र में पारंगत है, शाब्दे परे च निष्णातं, जैसा पानी में हम लोग स्नान कर लेते हैं बिल्कुल पानी में डूब करके और पवित्र हो जाते हैं, इसी प्रकार व्यक्ति जो ब्रह्म में स्नान किया है शाब्दे परिचन स्नान और उसको फल स्वरूप क्या है ब्रह्मणी उपसमाज स्वयं, और सब चीज छोड़ करके उपशम करके केवल ही ब्रह्म पद में उसको लगना है, ये गुरु का लक्षण है। तो चैतन्य महाप्रभु का पास आकर के ये सनातन गोस्वामी पूछा कि हमारा कर्तव्य क्या है, आप तो कृपा करके हमको मिनिस्टरी से छुटा के ले आए हैं और अभी हमारी क्या कर्तव्य है ये आप बताइए। कि हमी जान अमाय जापे तापत्र यहा ना जानी कैमने ही था। तो चैतन्य सनातन गोस्वामी बताए हैं कि अब आपको पास आए हैं तो हमको बताइए जो मैं है कौन, हम मिनिस्टर है कि हम सनातन गोस्वामी है कि और कुछ है और किसी, यही तो मैं जानता नहीं। जब जैसा समय हुआ हम तो बन गया, उसी में बैठ गया, उसी में अपना काम किया, लेकिन असल में है मैं क्या ये बताइए, ये गुरु को प्रश्न होने चाहिए। यानी सेल्फ रियलाइजेशन, प्रत्येक व्यक्ति अपने को समझता है ये शरीर कोई देहात्म बुद्धि, मैं हिंदू है, मैं मुसलमान है, मैं बंगाली है, मैं गुजराती है, मैं अमेरिकन है, मैं इंडियन है, ऐसे ऐसे अनेक प्रकार उपाधि से विभूषित होकर के मैं अपने को समझता हूं, बल्कि असल में मैं है क्या ये पूछना। हम कौन है, हम हिंदू है ना मुसलमान है ना क्रिश्चियन है, गुजराती है, बंगाली है और काला है सफेद है क्या है, ये पूछ रहा है, ये गुरु का पास पूछना चाहिए। इन्हें सेल्फ रियलाइजेशन आत्मज्ञान। श्रोतव्यादि निराजेन्द्र निरांशंति सहस्त्र गृहेशु गृहमेदिन, आत्मतत्व जो नहीं जानते हैं वो मूर्ख ही रह जाते हैं। तो इसलिए सनातन प्रभु सनातन गोस्वामी ये पूछ रहे हैं कि आमी कहने मोड़े जापे ताहो भगवत भक्ति, पहले आपने को समझा कि आमी कहनो मोड़े जापे ताहो, मैं है कौन, और तीन प्रकार के जो भौतिक ये जो क्लेश है उसको क्यों हमको सहना पड़ता है, हम तो चाहता है कौन मरने को चाहता है, बाकी सब मरता, ये पूछना चाहिए। जो हम तो मरने को नहीं चाहता हूं, हम तो अब बुढ़ापा में
आने को नहीं चाहता हूं, सब समय नौजवान रहने चाहता हूं, फिर हमको जबरदस्ती क्यों बुढ़ा बनाया गया था? ये प्रश्न होना चाहिए कि हम ही क्या नरे जाते था डॉक्टर। इसका नाम है सत्संग है, और इसके लिए हमारा भारतवर्ष में अनेक प्रकार साधु संघ का विचार है, विशेष करके भगवद गीता जो कि स्वयं भगवान बता रहे हैं, तो हम लोग को ये लिए उचित है जो जैसे भगवद गीता में बताया है उस प्रकार शिक्षण ले करके अपना जीवन धन्य करें। और इधर जो हम लोग ये केंद्र खुला है, ये हमारा मिशन यही है और कुछ नहीं है। चैतन्य महापुर का मिशन है, चैतन्य महापुर का क्या मिशन है? क्या यही मिशन है कि तीन दफे चैतन्य वहां बताया जो भारत भूमि ते मनुष्य जन्म ही ल जा, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। जिसका भारतवर्ष में जन्म हुआ है वो साधारण मनुष्य नहीं है। ये देवता लोग भी प्रार्थना करते हैं भगवान से जब हमको और एक दफे भारतवर्ष में जन्म दिया जाए। भारतवर्ष का जन्म ऐसी है, अभी तक इतना नास्तिक के बाद फैलाया जाता है, तब भी भारतवर्ष में कुंभ मेला होता है, करोड़ों आदमी आते हैं, और हम लोग को ऐसे ही कोई हीन दीन व्यक्ति कोई अगर उत्सव करते हैं तो रोजाना 20-30 हजार आदमी साहब देखने सुनने को आते हैं। ये भारतवर्ष है, इसलिए चैतन्य महापुरुष विशेष करके बताया है भारत में कि भारत भूमि ते मनुष्य जन्म हुई लो जा, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। तो आप लोग सब भारतीय है, भारतवर्ष में आप लोग को जन्म आता है, इधर आए हैं व्यवसाय के खातिर में और कुछ करते नहीं, बाकी ठीक है। बाकी चैतन्य महापुर कहते हैं अमार आज्ञाएं गुरु होइया तारो एई देश, जो हमारी अभ्यास है आप लोग सब भारतीय जितने हैं सब गुरु हो जाएगी। हमार आज्ञाएं गुरु है या तारो एक देश, आप लोग अफ्रीका में आए हैं ये अफ्रीका देश को उद्धार कीजिए, ये आप लोग का कर्तव्य। खाली रुपया कमाना नहीं, रुपया कमाइए बाकी परोपकार के लिए खर्च कीजिए, ये भारतीय का कर्तव्य है, ये चैतन्य महापुरुष का। और किस तरह से अब गुरु हो जाए, कैसे गुरु है? हमारे तो कोई विशेष विद्वान है नहीं, कुछ जानते ही नहीं, नहीं कोई विद्वान का होने का जरूरत नहीं है, फिर कैसे गुरु हो गए? जरे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, बस गुरु हो, कोई ढंग दिखाने का जरूरत नहीं है, सोना बनाने का जरूरत नहीं, केवल कृष्ण जो बताया है उसको बताओ, अब गुरु हो जाओ। यही आप लोग से हमारा प्रार्थना, जो आप लोग भारतीय है इस देश को उद्धार कीजिए। देखिए अफ्रीकन लोग कैसे कीर्तन कर रहे हैं, सभी आप लोग, हम परदेश से आदमी ला करके ये नचाते हैं, आप लोग नहीं नचा सकते हैं क्यों? ये हमारी प्रार्थना, आप लोग नचाइए, आप लोग इधर हैं, ये बेचारी परदेशी अमेरिका से यूरोप से ला करके इसको नचाने पड़ेगा हमको, ये आपसे प्रार्थना, ये निवेदन है, इसको ग्रहण कीजिए, इस तरह से काम कीजिए, सेंटर मौजूद है, अच्छी तरह से उसको बनाइए, जैसे जैसे शास्त्र में लिखा है उसे काम कीजिए, गुरु बन जाइए, उसको उद्धार कीजिए। थैंक यू वेरी मच, हरे राजा साहब, सज्जनों, हमारे लिए तो एक मुश्किल है, मैं गुजराती तो बोल ही नहीं सकता हूं और हिंदी भी कोई विशेष ठीक ठीक नहीं बोल सकता हूं। खैर आप लोग क्षमा कीजिएगा, ये जो कृष्ण भावना में तो संघ हम लोग बनाया है, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, इसका उद्देश्य यही है कि सारा दुनिया में जो सब लोग
एक भ्रम में है वो क्या भ्रम है वो समझता है कि इस दुनिया में रुपया पैसा खूब फायदा करते और भोग करेंगे और उसी में मैं सुखी रहूंगा ये सब दुनिया में चल रहा है तो किसी तरह से रुपया ले आओ और भोग कर पाश्चात्य देश में इसको कहते हैं हेडोनिज्म ईट ड्रिंक बी मैरी एंड एंजॉय तो श्री चैतन्य महाप्रभु आज से 500 वर्ष पहले ये संकीर्तन मूवमेंट आंदोलन संकीर्तन भगवान का नाम का प्रचार भगवान और भगवान का नाम कोई प्रभेद नहीं है नाम चिंता मणि कृष्ण शास्त्र में बताते हैं जो भगवान का नाम जो कृष्ण और भगवान का नाम जो राम ये स्वयं भगवान है नाम चिंता मणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह जैसा भगवान विग्रह मूर्तिमान पूर्ण चेतन इसी प्रकार भगवान का जो नाम वो भी पूर्ण चेतन नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह उसका और अच्छी तरह से समझाने के लिए शास्त्र कहते हैं पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्न त्याग नाम नामेन ये नहीं समझना चाहिए कि भगवान नाम से बहुत बड़ा है नाम कुछ छोटा है नहीं जैसा नाम भगवान जैसा सर्वशक्तिमान इसी प्रकार भगवान का नाम भी सर्वशक्तिमान नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता ये भगवान का नाम भगवान की सब शक्तियां उसमें है यदि हम लोग शुद्ध नाम कर सकें नाम जपने के लिए तीन अवस्था है एक नाम अपराध और एक नामाभास और एक शुद्ध नाम नाम अपराध पहले पहले हम अपराध होता है कि बहुत से आदमी ऐसे ही समझते हैं कि हरे कृष्ण नाम जपो और दुर्गा नाम जपो काली नाम जपो ये और कोई देवता का नाम जपो सभी एक है ये नाम अपराध शास्त्र में कहते हैं हरेर नाम ही वो केवल और कोई नाम नहीं हरेर नाम आदमी भ्रम से ये समझता है कि कोई भी नाम जप लो और वो लोग बोलता है कि ऐसा नाम से जपो नहीं ये शास्त्र विधि नहीं है हरेर नाम इव केवलम कलौ नास्ति व नास्ति व नास्ति व गतिरन्यथा कलियुग में सब आदमी बहुत पतित है कलियुग का विशेष वर्णना द्वादश स्कंध में बताया गया है भागवत में
हां वो सब मिलता जुलता है। एक शब्द उसमें आया है लावण्यम केश धारणम। कलयुग में आदमी समझेगा कि ज्यादा बाल रखने से बड़ा सुंदर हो जाएगा। आप लोग देखिएगा आजकल नौजवान खूब बाल रखते हैं, तो समझते हम बहुत सुंदर होंगे। लावण्यम केश धारण, बाकी ये कलयुग का एक पहचान है लक्ष्मण। और भी बहुत से हैं, दाम्पत्य रति में वही, ये स्त्री पुरुष का जो संपर्क है पति पत्नी, वो संपर्क तब तक ठीक रहेगा जब तक उनका जो काम परिस्थिति चलेगा। दाम्पत्य रति में वही, इसका प्रमाण विदेश में पाश्चात्य देश में बहुत हो रहा है। उनका इंद्रिय तर्पण में गोलमाल हुआ तो डाइवर्ट कर दे। तो शास्त्र में लिखा है दाम्पत्य रति में वही, विप्रत्य सूत्र में वही। विप्रत्य ब्राह्मण, ब्राह्मण कैसे रह गए, मैं एक दो पैसे का सुतली लगा दिया और सब ब्राह्मण का गुण जो है समो दम तितिक्षा आर्जव ज्ञानम विज्ञानम आस्तिकम ब्रह्म कर्म स्वभाव, सब गीता में बताया आप लोग जानते हैं। वो सब समोदम सब चूल्हे में गया, पर दो पैसे का सुतली लगा दिया ब्राह्मण। ये सब कलयुग का पहचान है लिखा है। और आयु और मेधा और दया और धर्म ये सब बिल्कुल चला जाए, ये सब कलयुग में विस्तार बनाना। आप लोग जो भागवत पढ़ेंगे द्वादश स्कंध में तृतीय अध्याय में यह सब बनाना है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु शास्त्र का अनुसार कहते हैं कि हरेर्नाम 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 केवलम कलो नास्ते व नास्ते व नास्ते व गतिरन्न था। कलयुग में यही एक पंथा है जो कि आपको ये भौतिक जगत से भगवान का पास पहुंचा सकता है। आदमी जानते ही नहीं कि हमारा मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, ऐसा नीच हो गया। न थे विदु सार्थ गति विष्णु, पहले भी था कम था, जैसा पहले भी रावण था संन्यास वेश लेकर के और सीता को हरण करने को दिया, तो आजकल ज्यादा हो गया। उस समय एक ही संन्यास था रावण मिलता है जो कि संन्यास वेश धारण करके परस्त्री हरण करने के लिए गया, आजकल बहुत मिल जाए। तो ये कलयुग है। और ये कलयुग का विषय शास्त्र में बताया है कि प्रायेण अल्प आयुष कलौ अस्मिन् युगे जना मंदास्मंद मतयो मंद भाग्या उपद्रुता। उपद्रव क्या क्या चीज है वो भी बताया है। दुर्भिक्ष करो पीड़िता, एक तरफ से खाने को चीज नहीं मिलेगा और दूसरी तरफ से गवर्नमेंट खूब टैक्स लगाएगा। दुर्भिक्ष करो पीड़िता, आदमी सब परेशान होकर के अच्छिन्न दारिद्र्येण गच्छन्ति गिरिकाणाम। बहुत ही कलयुग का जो दुर्दशा की वर्णना है शास्त्र सब दिया हुआ है और उपाय भी बता दिया है। ये कलयुग में जीवन को सफल करने के लिए एक ही उपाय है, ये भी सुखदेव गोस्वामी ने बताया है।
कलौ दोष निधि राजन अस्ति जी को महान गुणा की तनादि व कृष्ण सा मुक्त संग परम भजे। अनेक प्रकार विवेचना है शास्त्र में, उसी का अनुसार ये हरे कृष्णा आंदोलन हम लोग सारा दुनिया में फैला रहा हूं और उसका कुछ कुछ फल भी मिल रहा है। आप लोग देख रहे हैं ये सब यूरोपियन अमेरिकन बॉयज गर्ल्स बच्चे भी अब सामने देख रहे हैं, एक बरस बच्चे भी नाच रहे हैं। यह इसी चीज है, नित्य सिद्ध कृष्ण भक्ति साध्य कभी न है, सवनादि शुद्ध चित्त करो उदय। भगवत भक्ति, भगवान कृष्ण का भक्ति जो है वो कोई सिखाने का चीज नहीं है, वो भीतर में सबका हृदय में है। नित्य सिद्ध परपेचुअली नित्यकाल है, क्योंकि भगवान से हम लोग का बहुत घनिष्ठ संपर्क है, जैसा पिता पुत्र, पिता से पुत्र का संपर्क बहुत घनिष्ठ है। बहुत दिन पिता चाहे पुत्र परस्पर छोड़ करके अगर विदेश में रहा, फिर बहुत दिन बाद जब मिलते हैं तो वो जो पिता पुत्र का स्नेह है वो अटूट रहता है। इसी प्रकार भगवान से हम लोग का जो संपर्क है वो अटूट है। बाकी कलयुग में पाप का कारण वो ढका हुआ, उसको जगाने के और कुछ चेत दर्पण मार्जनम, वो जगाने के लिए चित्त दर्पण जो है, दर्पण का अर्थ होता है वो आईना जिसमें चार लोग का आपका स्वरूप देखते हैं, वो मैला से ढक गया, उसको साफ करना, चित्त को साफ करना। इसलिए हम लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावना, हम लोग भावना तो है, हम लोग को अनेक विषय हम लोग सोचते हैं, सोच के काम करते हैं, बिना भावना एक सेकंड भी हम लोग नहीं रह सकते हैं। वो भावना को शुद्ध करना चाहिए, केवल कृष्ण को भावना होना चाहिए बस, जीवन सफल। इसका नाम है कृष्ण भावना मृत। श्री रूप गोस्वामी बताए हैं कृष्ण भक्ति रसोभाव, कृष्ण भक्ति रसोभावामृत क्रियताम यदि कुतो विलंभते। रूप गोस्वामी बताए कि कृष्ण भावना मिलता यदि कहीं आपको खरीदने को मिले तो आप बहुत जल्दी खरीद लीजिए। कृष्ण भाव रस, कृष्ण भाव रसामृतमती क्रियताम यदि कुतो विलंभते, तो ये चीज खरीदने के लिए कुछ दाम देने पड़ेगा। तो हाँ, वो भी बताया तत्तर लौलम एक अलम मूल्यम, यदि आप कृष्ण के लिए थोड़ा लोभी हो जाएंगे, ये इसी जीवन में हमको कृष्ण चाहिए, जैसा हम लोग रुपया के लिए लोभी हो जाते हैं, सुंदरी स्त्री के लिए लोभी हो जाते हैं, उसी प्रकार यदि कृष्ण में लोभी हो जाएंगे तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। यही पद्धति, यही हम लोग सिखा रहे हैं। भगवान खुद ही बताए भगवद गीता में, मैया सत्य मना प्रार्थन जोगन झुंझन मदाश्रय असंशय समग्र माम यथा गैस्यसि तथ्य। भगवान में लोभ होने का आसक्ति, जैसा हमारा आसक्ति है दुनिया में, यानी धन में, स्त्री में और पद में,
ये सब हम लोग चाहते हैं, इसमें आसक्ति है। इसी प्रकार आसक्ति यदि भगवान में हो जाए तो हमारा जीवन सफल हो जाए। वही चीज कृष्णा, ये जो कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट है, किस तरह से दुनिया का आसक्ति कृष्णा में हो, ये हम लोग का प्रयास है। और तो भगवान खुद बताएं कि मैया सक्त मना प्रार्थ योग, ये योग किस तरह से कृष्ण का चरण में आसक्ति हो, इसका नाम है भक्ति योग। तो भक्ति योग जिस तरह से हो वो प्रहलाद महाराज बहुत दिन पहले बताए हैं, सवनं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पादसेवनं अर्चनं वंदनं दासं सखम आत्मनिवेदनं। वेरी वॉटर नाउ यू शैल गो फॉर वॉटर। ये श्रवण है प्रधान, भगवत नाम श्रवण। अतः श्री कृष्ण नामादि ये नाम श्रवण, हरे कृष्णा ये श्रवण से हम लोग पहले शुरू करते हैं। केवल श्रवण में ही यदि हम ध्यान दें, जैसे परीक्षित महाराज, परीक्षित महाराज मरने में 7 रोज बाकी, तो वो केवल श्रवण किया श्रीमद् भागवत। श्री विष्णु श्रवण है परीक्षित, परीक्षित महाराज केवल श्रवण किया बैठ गया श्रीमद् भागवत। और सुखदेव गोस्वामी केवल कीर्तन किया, एक एक आइटम है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, चाहे भगवान का नाम श्रवण कीजिए। देखिए कलयुग का प्रभाव है, ये नाम श्रवण करने में भी बाधा, बैठ के थोड़ा शांति से भगवान की नाम कीर्तन श्रवण करें वो भी चित्त नहीं लगा सकते हैं। इसलिए ये श्रवण से ही चित्त संयम होगा, चेत दर्पण मार्ग। पहले पहले वो ठीक नहीं लगता है, जैसा कोई व्यक्ति का वो क्या नाम जॉन्डिस पित्त रोग किसी का हो जाता है तो उसको मिश्री दीजिए, वो बोलता है ये तीत है कटु है, क्योंकि तो पित्त रोग से मिश्री सबको ही जानते मीठा है, बाकी उसको जीवा में वो कटु लगता है। बाकी वो जो पित्त रोग है जंडिस उसको आराम करने के लिए मिश्री एकमात्र उपाय है, तो मिश्री खाते खाते वही मिश्री मालूम होगा बड़ा मिष्ट है सुमिष्ट। इसी प्रकार ये भगवान का नाम कीर्तन, ये जो हम लोग भौतिक जगत का जो रोग है ये रोग का कारण अच्छी नहीं देते, बाकी ये रोग मिटाने के लिए ये ही मात्र उपाय है और कुछ नहीं है। हरे नाम हरे नाम हरे नाम, इसलिए थोड़ा जबरदस्ती मन को बैठाना चाहिए। यही है साधना, अभ्यास योग युक्ते न चेतुषा नान्न गामिना, जिसका मन बड़ा चंचल है उसको अभ्यास योग करना चाहिए। इसका नाम है तपस्या। मनुष्य जीवन जो है ये तपस्या करने के लिए है, ये कुत्ता भेड़ी का ऐसे नहीं होना चाहिए। कुत्ता भेड़ी सुअर जैसा दिन भर परिश्रम करता है थोड़ा खाने के लिए,
कलयुग में जो ये जो अवस्था आई है कि दो रोटी के लिए आदमी गधे का ऐसा परिश्रम करता है, ठेला ठेलता है, स्त्री पुरुष मिलकर के, ये कोई मनुष्य का काम है? ये बाकी कलयुग में ये सब हो रहा है और भी होगा। दो पैसे के लिए आपका पुत्र आपका बक्षस्थान में छुरी लगा देगा, ये सब टाइम आता है दो पैसे के है, सब भागवत में लिखा है। ये सब क्रमशः टाइम बहुत ही खराब आएगा और इसका एक ही मात्र उपाय है हरे नाम हरे नाम हरे नाम इव केवलम कलौ नास्ति व नास्ति व नास्ति, ये शास्त्र का वचन है। इसलिए हम लोग का अनुरोध यही है तो किसी अवस्था में आप रहिए ये हरे नाम को जपाते हैं, इसमें आपको कोई नुकसान नहीं है। अगर आप समझे कुछ लाभ भी नहीं है, लाभ तो बहुत है बाकी आपको मालूम नहीं, खैर नुकसान तो है ही नहीं। आप रास्ता में चल फिर रहे हैं और यदि हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 ये नाम को जपा करें तो आपको क्या नुकसान हो जाए? लाभ जो होगा तो पहले मालूम पीछे मालूम होगा, बाकी अभी तो कुछ नुकसान तो नहीं है। और भगवान का नाम कीर्तन करने में कोई परिश्रम भी है नहीं, यही हम लोग का निवेदन है। कहीं भी रहिए, किसी अवस्था में रहिए, कोई भूतल में कोई जगह में रहिए। अब देखिए ना, ये लोग सब यूरोप अमेरिका में, ये तो हिंदू भी है नहीं और भारतवर्ष में है नहीं, ये तो उनका जन्म तो कहां कहां हुआ है, तो क्या ये लोग नाम करते हैं? फिर नाम करने में कोई मुश्किल है? नहीं, मुश्किल कोई नहीं है, नुकसान भी कोई नहीं। बाकी यदि आप नाम जपा करेंगे, ये जो हृदय में तमाम गर्दा सब इकट्ठी हो गई है वो सब साफ हो जाएगा। चेत दत्पनमार्जनम, और हमारा जो तकलीफ है इस दुनिया में, असल तकलीफ जो है तो हम लोग समझते ही नहीं। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शन, ये भगवान कैन बी कंट्रोल अटेंशन विल बी देयर। चित्त दर्पण मार्जना, जब चित्त दर्पण मार्जित हो जाएगा साफ हो जाएगा, जैसा आयना है हम लोग उसमें अगर गर्दा है वो साफ कर दिया जाए तो आपको जो सुंदर मुख है वो आप देख सकेंगे। इसी प्रकार जितना आप हरिनाम कीजिएगा हरे कृष्णा आपका चित्त दर्पण मार्जित हो जाएगा, चित्त दर्पण मार्ज, और फिर भूल मालूम हो जाएगा ये जो दुनिया में हम इतना परिश्रम कर रहे हैं इसका क्या कारण है, और हमको हम मरने को नहीं चाहता हूं क्यों हमारा ऊपर मौत आता है, हम बुढ़ा होने को नहीं चाहता हूं क्यों मैं बुढ़ा हो जाता हूं, हम रोग नहीं चाहता हूं क्यों रोग हमारा पर जबरदस्ती आता है, ये सब प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा चेत दर्पण मार्जन। और जब ये सब प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा तो भव महादावाग्नि निर्वापनम, ये जो भौतिक जगत में आग जल रहा है सबके लिए, वो जो बड़े बड़े गवर्नमेंट मिनिस्टर है उसको लिए भी आग जल रहा है, और जो रास्ता में रोजाना नौकरी करके रोटी पकड़ उसके लिए भी आग जल रहा है। ये बात नहीं है कि आपको कोई अच्छा पदवी मिल जाए और पैसा मिल जाए तो ये आग बुझ जाएगा, नहीं ये बात नहीं। ये सब हम लोग साक्षात देखा है, हम नाम लेने नहीं चाहते, वो चलता है भव महादावाग दावाग्नि। इसको नाम क्यों लिया गया है? दावाग्नि का अर्थ होता है वो जो जंगल में आग लगता है उसका नाम है दावाग्नि।
वो जंगल में कोई आग लगाने को नहीं जाता दुश्मनी करके। बाकी प्रकृति का ऐसा ही नियम है, वो जंगल में भी आग लग जाती। इसी प्रकार आपका परिस्थिति में भौतिक जगत में आप अगर आग लगाने नहीं भी चाहते हैं तो आग लग जाता। जैसा लड़ाई होती है कभी कभी, कई लड़ाई हो गई, कौन चाहता है बाकी लड़ाई हो गई, वज्रपात होता है, रोग होता है, हाँ बहुत से मैं विषय। एक आपका मित्र है वो आपका शत्रु हो जाता, अपना पुत्र भी शत्रु हो जाता। हाँ ये दुनिया का नियम है, इसका नाम है भव महादाबाद। आप आग लगाने को चाहते नहीं बाकी आग लग जाए। इसीलिए चेत दर्पण मार्जन होने से जो जब हमको समझ में आएगा कि मैं तो कोई भौतिक वस्तु है ही नहीं, उसका नाम है चेत दर्पण। मैं तो ये शरीर नहीं है। क्योंकि अभी ये जो हमारा भौतिक सभ्यता चल रहा है सब देहात्म बुद्धि, हम सोचते हैं हम भारतीय है, ब्राह्मण है, और ये बंगाली है, गुजराती है, ये अनेक प्रकार, और भी समझते हैं हम अमेरिकन है, हम वो है वो है, ये सब हम लोग, ये सब कुछ नहीं है, ये सब जंजाल है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं चेत दर्पण मार्जन। ये जो सब हम लोग भूल से सोचते हैं, जो हम ये है वह है वह है, इसका नाम है वो गर्दार, उसको मार्जित हो जा, वो जब जितना जंजाल है वो सब साफ हो जाएगा, उस समय आपको अवस्था है ब्रह्मभूत। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, जब आप ब्रह्मभूत हो जाएगा आप समझ जाएंगे अहं ब्रह्मास्मि, हम ब्रह्म वस्तु है, हम भौतिक वस्तु नहीं है, शरीर नहीं है। इसी को भगवान पहले ही समझाता है, देही नस्मिन यथा देही कौमार्यो मनुंजरा तथा देहांतर प्राप्ति धीर तत्व नहीं है। ये सब विचार है, चित्त दर्पण मार्जित नहीं होने का कारण अनेक जंजाल, अनेक भूत से हम लोग जीवन अतिवाहित करते हैं, और ये मनुष्य जीवन जो हमको मिला है ये सब जंजाल हटाने के लिए। बाकी हम जंजाल ज्यों के त्यों रख दिया और बड़ा सेठ बन गया, उसमें क्या लाभ है। जंजाल को साफ करो जिसमें जीवन सफल होगा, और जंजाल रख करके थोड़े दिन के लिए 20-50 वर्ष के लिए बड़ा सेठ बन गया, ये गरीब बन गया, वो एक ही बात है। कोई समझता है बहुत गरीब है इस तरह से हमको धन मिले, और कोई समझता है जब इतना बड़ा सेठ बन गया तभी हमारा आशा पूर्ण नहीं हुई, तो बात हो रही है। सब समय चित्त एंग्जाइटी, ये प्रहलाद महाराज उनके पिता को बताया था, नहीं बेटा तुम क्या चीज सीखा है हमको थोड़ा बताओ। तो प्रहलाद महाराज बताया, पिताजी नहीं बोला, तत्साधु मन ने शुरू अब्ज देखना। पिताजी आप तो असुर का श्रेष्ठ है, असुर वज्र, वज्र मीन श्रेष्ठ, बहुत भारी असुर है। तो पिता को बोला तत्साधु मन ने असुर वज्र देखना, जो ये शरीर दिया है भौतिक शरीर उसके लिए यही उचित है क्या? न हित्यात्मघातम गृह अंगरूपम वन में गतो जद हरिमा शरीर का, जो ये जो शरीर मिला भौतिक शरीर इसके लिए सब समय हमको चिंतित रहना पड़ता है। तो साधु मन ने शुरू अर्ज देना सदा समुद्विघ्न दिया असद ग्रह, ये जो असद वस्तु शरीर में धारण किया है इसके लिए सब समय समुद्र विघ्न रहने पड़ेगा,
और यदि आप ये समुद्रविघ्नता से हमें छुट्टी लेने को चाहते हैं तो हित्यात्मघातम गृहंग कूपम वरम गतो जद हरिमा से। इसलिए हमारा जो वैदिक सभ्यता है वानप्रस्थ वन में जाना पंचाशुद्धं वनं व्रजेत ये शास्त्र के निर्देश है। जहां 50 वर्ष हो गया अब वन में जाइए। तो वन में तो जाने का आजकल सामर्थ्य नहीं है अभ्यास नहीं है तो इसलिए कम से कम वृंदावन में आइए। हम लोग वृंदावन में को भारी मंदिर बना है और रहने का जगह है। आप लोग जिसका 50 वर्ष ऊर्ध हो गया सब आइए उधर रहिए भगवत चर्चा कीजिए और जीवन को सफल कीजिए। वनंग तो वो जद हरिमा खाली वन में जाने से नहीं होगा वो तो बंदर भी रहता है वन में नंगे रहते हैं फल भी खाते हैं बड़ा सात्विक जीवन ताकि एक एक बंदर का दो दो तीन तीन दर्जन ओ बन चाहिए। उस प्रकार वन में जाने से कुछ फायदा नहीं। वन में जाइए हरिमा आश्रय का और भगवान का आश्रय ग्रहण कीजिए। ये शास्त्र का निर्देश। तो जहां तक होए हम लोग सब सुविधाएं देने के लिए प्रयत्न कर रहा हूं। सब आश्रम भी बना रहा हूं और मंदिर भी बना रहा हूं और रहने का जगह भी है। तो कम से कम पंचाशुद्धम ये जो सिद्धांत है कि हम कभी घर छोड़ेंगे नहीं ये ठीक नहीं। तो फिर सदा समुद्र विघ्न धिया मसुद देहा हित्यात्मघातम गृह अंग कूपम ये वैदिक सभ्यता नहीं। वैदिक सभ्यता है वर्णाश्रम धर्म ये असल धर्म है। चार वर्ण चार आश्रम चार वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये जरूर होना चाहिए नहीं तो समाज उश्रृंखल है। ब्राह्मण समधम अतिथिखा ये सब विद्वान होकर के सबको सिखाएंगे क्षत्रिय शासन करेंगे और वैश्य अन्न उत्पादन करेंगे अब शूद्र जो कुछ जानते हैं नौकरी करेंगे बस। इसी प्रकार ब्रह्मचारी वानप्रस्थ गृहस्थ सन्यास ये सब नियम को पालन करने चाहिए तभी सुखी होंगे। और केवल स्वर्ग धा का ऐसा परिश्रम करते लाओ पैसा लाओ रोटी ये कोई सिविलाइजेशन नहीं। इसमें दुनिया नाश हो गया तो इसलिए हम लोग का आप लोग से निवेदन है कि ये जो कृष्ण कॉन्शसनेस मूवमेंट आंदोलन है इसको अच्छी तरह समझिए। ये कोई मैन्युफैक्चर नहीं है एक हमारा मगज में कोई बुद्धि आगे लगा दिया नहीं ये जगलरी नहीं है साइंटिफिक वैज्ञानिक शास्त्र सम्मत। इसको आप लोग अच्छी तरह से समझिए इसको लीजिए और जिस तरह से आपका जीवन सफल हो सके इसके लिए कार्य कीजिए। इतना ही आप लोग से निवेदन और वो सब काम बड़ा सुंदर से हो जाएगा यदि केवल आप ये हरेर नाम हरेर नाम ही होती है चेत दर्पण हो जाएगा चित्त दर्पण मार्जित हो जाएगा। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा चेत दर्पण माजनम भव महादावाग्नि निर्वापनम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावध जीवनम आनंदामृति वर्धन। यदि आप इस लाइन में आइएगा तो आप आनंद चाहते हैं आनंदमय अभ्यास जी मातृ आनंद चाहते हैं भगवान भी आनंदमय है और भगवान का अंश स्वरूप जो जीव है वो भी आनंद धोते हैं। तो सुखम मातम तिकम जब तक अतीन्द्रिय ग्राह्यम जो वास्तविक आनंद है वो तो अतीन्द्रिय वस्तु है ये भौतिक वस्तु नहीं है। रमन्ते जोगिना अनन्ते सत्यानन्दे चिदात्मनि इति रामोपदेनासो परब्रह्म विधीयते। ये शास्त्र में भगवान रामचंद्र का विषय बताया
कि राम माने परब्रह्म, कृष्ण माने परब्रह्म, परब्रह्म परम धाम पवित्रम परम भवान, और भगवान राम और भगवान कृष्ण हरे राम, ये कोई फर्क नहीं। जब आप शुद्ध राम कीर्तन करेंगे तो समझ लीजिए कि भगवान रामचंद्र ये बलराम कोई भी राम भगवान, भगवान का एक परशुराम हुआ, एक बलराम हुआ और एक भगवान रामचंद्र हुआ, सब एक है। तो वे नाम चिंता मनी कृष्ण, नाम को जप करने से आप चाहे राम का भक्त हो या कृष्ण का भक्त हो, समझ लीजिए भगवान रामचंद्र और कृष्ण आपका जीवा में आकर के नाच रहे हैं। इस भावना से यदि आप नाम कीर्तन कीजिए तो आपको जीवन सफल होगा। विद्यावधि जीवन आनंदामृति वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम, ये चैतन्य महाप्रभु की आशीर्वाद है, ये बताएं। तो आप लोग जिस अवस्था में रहिए और इसके लिए कोई पैसा खर्च नहीं है, एक दफे देख लीजिए जो हरे नाम करने से क्या क्या फायदा, सब समय कीर्तनीय सदा हरि। ये भी चैतन्य महाप्रभु बताएं कि अगर आप नाम जप कर रहे हैं तो कोई बोलेगा ये पागल है, देखो तो बिजनेस में अपना बैठे हैं और नाम जप कर रहे हैं। कोई बोलेगा यार जुआ चोरी, ये जुआ चोर है, एक ढंग लगा है, ये सब सहना पड़ेगा। भगवत भक्त होने के लिए बहुत सहन करने पड़ता है, जैसा प्रहलाद महाराज अपना पिताजी शत्रु हो गया, मारो ये बेटा को, ये भगवान का नाम करता है, हमारा बात सुनकर ये सब शत्रु बन जाए। तो ये सब होते हुए भी तिनादपि सुनीचेन करोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि, ये सब सहन करके भगवान का नाम जपा कीजिए, जीवन आपको सब सफल हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। आप लोगों को धन्यवाद है क्योंकि साथ साथ में हरे कृष्ण महामंत्र का आप लोग जप किया। ये हरे भगवान और भगवान की शक्ति, जैसे राधा कृष्ण सीता राम लक्ष्मी नारायण भगवान और भगवान की शक्तियां, वेद में है न तस्य कार्यम करणं च विद्यते न तस्य समः अधिकश्च दृश्यते पराश शक्ति विविधैव श्रूयते स्वाभाविक ज्ञान बल क्रिया। जो भगवान जो है उनको कोई काम करने का जरूरत नहीं है, जैसा हम लोग देख रहे हैं कोई धनी आदमी हो, कोई बड़ा आदमी हो, मिनिस्टर है, वो अपना हाथ से कुछ काम नहीं करता, बाकी उनको नौकर चाकर बहुत है। इसी प्रकार भगवान जो है उनको हाथ से कोई काम करने की जरूरत नहीं, न तस्य कार्यम करणं च विद्यते, और न तस्य समः, भगवान का समान, जैसे भगवान है ऐसा हम भी है, ये राक्षसी प्रवृत्ति है। भगवान का समान कोई है नहीं और भगवान से ऊंचा भी कोई है, न तस्य समः अधिक, सब भगवान से नीचे है। तो
ये जो राधा कृष्णा हरे कृष्णा की भगवान से प्रार्थना है, वे हे हरा भगवान की जो शक्ति आप, और हे कृष्णा हे भगवान आप दो मिल करके हमको आपकी सेवा में लगाइए, क्योंकि जीव का जो स्वरूप है वो भगवान की सेवा करने के लिए। चैतन्य महाप्रभु बताया है, जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। जीव का जो स्वरूप है वो भगवान का दास है, बाकी वो स्वरूप भूल करके ये भौतिक जगत में वो मालिक होने को चाहते हैं, इसलिए ऐसा उनका दुख। पराश शक्ति भी उदय होती है, तो ये भौतिक जगत में जो हम लोग हैं इसका नाम है बुद्ध जी, ये भूल गया भगवान का नित्य दासत्व, भूल गया माया का दासत्व में उसका समय नष्ट हो रहा है।